बेगूसराय में एक ऐसा थाना है जहाँ थाने में खाने बनाने वाले की कानून चलती है एवं उसी के अनुसार पुलिस भी काम करती है। जी हाँ, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह यहाँ की जनता कह रही है। किस तरह से जनता के साथ अत्याचार हो रहा है यह वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज अचानक महिला के खिलाफ बलिया थाने में सैकड़ों ग्रामीण पहुंचकर उस महिला के खिलाफ जमकर हंगामा किया। भीयो बेगूसराय के बलिया थाना में बना रही खाना महिला की दबंगई देखने को मिला, जहां ऐसा ही कुछ नजारा अहले सुबह देखने को मिला, जहां बलिया थाना में खाना बनाने की काम कर रही महिला ने अपने घर के पड़ोसी के साथ मामूली विवाद में थाने को आदेश देकर देर रात 3 व्यक्ति की पिटाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया। जिस आक्रोश में अहले सुबह सैकड़ों की संख्या में महिला ने थाने के सामने आकर घेराव करके जमकर हंगामा किया, साथ ही उच्च अधिकारी से जांच की मांग की। आए दिन महादलित परिवार बस्ती में जाकर गश्ती के नाम पर रंगरलिया मनाते हैं थाने के सारे स्टाफ, जिससे हम लोगों को काफी तकलीफ है। लेकिन इस बात की भनक जब यहाँ मौजूदा थाना अध्यक्ष राजेश राय को दिया, तब वह भड़क गए और हम लोगों को थाने से निकाल कर बाहर कर दिया। इस दरमियान मीडिया कर्मी को भी वीडियोग्राफी करने से मना कर दिया। ऐसा लग रहा था कि बलिया थाना क्वारंटाइन में बदल गया। थाना में एक माला देवी नाम की महिला है जो थाना स्टाफ का डेली खाना बनाती है पिछले 1 वर्षों से, और जब से ये थाना में खाना बनाने लगी है तब से जो मोची मोहल्ला है बलिया दुर्गा स्थान के पास, उस मोहल्ले में ये पुलिस का रोब दिखला के बराबर मोहल्ला के लोगों से लड़ाई झगड़ा कर लेती है, अंजलूल आरोप लगा देता है, पति को थाना के स्टाफ से पिटवाती है, थाना के स्टाफ बगैर वारंट बगैर कोई FIR के नित्यदिन उस मोहल्ला में गश्ती के नाम पे आना जाना रहता है। कुछ थाना स्टाफ से इनकी घनिष्ठता है और वो अपना पुरुषिया रूप दिखला के मोहल्ला के लोगों को के साथ मारपीट करता है। ठीक इसी तरह से आज रात्रि 3 बजे भोर में अचानक गया और घर का दरवाजा तोड़कर तीन लड़का विकास कुमार नाम है, विक्रम विशाल और राहुल, तीनों पड़ोस का लड़का है, और उसको घसीटते हुए थानेदार घर से लाया, गाड़ी पर बैठाया, थाना लेके चलाया। उसके पीछे उसकी माताएं, चाची या अड़ोस पड़ोस की महिलाएं हमदर्दी में आया कि हम जाते हैं थानेदार को घटना बतलाएंगे, और उसको थाना में ले जाके बेरहमी से महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस के द्वारा पिटाई की गई है। और वो लगातार इस तरह का घटना थाना स्टाफ के द्वारा उस मोहल्ला में होते रहता है। इसी के बीच बचाव में आज सैकड़ों लोग थाना पर आए हैं, ये तमाम लोग निर्दोष है, ये महिला करप्टेड है, ये तरह तरह का आरोप लगा कर और जब जिसको मन होता है वो थाना में अंदर करवा देता है और उसको पिटवा देता है, ये कहने के लिए आज सैकड़ों लोग थाना पहुंच के आए हैं। लेकिन अभी तक थानेदार एक नहीं सुना है, क्योंकि बिहार में कई एक थानेदार तो दारू सप्लाई करने में पकड़ाया भी है, तो इससे अछूता ही थाना थोड़े होगा, क्योंकि दारू पकड़ाता है तो ये लोग इस तरह से ब्रोकर रखते हैं और उसी के मोहल्ला में सप्लाई करवाता होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कारण क्या है कि आज से 2 महीना पहले बलिया थाना में एक जो महिला है माला देवी नाम का, वह लगभग साल भर से काम कर रही है थाना में, और थाना में जब काम करती है तो जब कुछ पारिवारिक आपसी मैटर भी पारिवारिक लड़ाई होता है तो ये महिला जो है वहाँ पर पुलिस को बुलाकर अपने घर पर ले जाती है, और अगल बगल जितने भी पड़ोसी है, पुलिस अपना जातिवादी मानसिकता की इतनी घृणित पुलिस है कि जितना जिस मैटर में अगर लड़ाई नहीं भी होता है तो उस मैटर में जाकर जितने भी आसपास के पड़ोसी हैं सभी को पूरे मोहल्ला को ही पीट देती है महिला कहने पर। ये महिला पूरी तरह से प्रशासन के मनचली टाइप की है, जो प्रशासन जैसे कहता है इनके साथ घनिष्ठा है, और प्रशासन को ये जैसे कहती है प्रशासन वैसे नाचता है, जबकि यह पूरी तरह गलत है। और आज लगभग सुबह तीन बजे रात में पुलिस जो है विक्रम कुमार और विशाल कुमार और राहुल कुमार इन तीनों को 3 बजे सुबह जाती है उनके गिरफ्तार करने के लिए, बिना कारण बताए बिना अरेस्ट वारंट दिखाए हुए इन तीनों को घर का दरवाजा तोड़कर सोए हुए अवस्था में गिरफ्तार करके लाती है और उनके ऊपर मारपीट करती है, जो कि पूरी तरह जुल्म है। और उसके समर्थन में जब उनकी मम्मी चाची और जो भी आसपास के लोग हैं जो आती है तो
पुलिस यहाँ पर जब बैठी हुई रहती थाना गेट के बाहर, तो पुलिस उनको प्रेम पूर्वक बुलाती है। कुछ महिला पुलिस है और कुछ जेंट्स पुलिस भी है। प्रशासन बुलाती है और उन्हें थाना के अंदर ले जाकर पूरी तरह से प्रताड़ित करता है और लाठियों से उन तीनों महिलाओं को पीटा जाता है। और तीन लड़के उनके ऊपर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा मारपीट गई। क्या नाम हुआ आपका? विभाग। घर? छोटी वाली दुर्गा स्थान। बेगूसराय से जीवेश तरुण की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताजा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब।